नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सव्यसाची सक्सेना, डायरेक्टर एंड ओनर ऑफ नियो ईएनटी क्लिनिक इंदिरापुरम गाजियाबाद, आल्सो वर्किंग इन फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा। आज मैं कॉमनली जो टॉपिक प्रेजेंट करने वाला हूं वो है नेजल ब्लीडिंग, यानी नाक से खून आना, हिंदी में जिसको नकसीर बोलते हैं। बहुत कॉमनली होता है कि बच्चा, बुजुर्ग, किसी भी एडल्ट को किसी भी टाइम पर नेजल ब्लीडिंग कभी ना कभी आज तक लाइफ में मिली ही होगी। क्या कॉजेज होती हैं? सबसे पहले हम कारण डिस्कस कर लेते हैं। दो तरह की ब्लीडिंग होती है, एंटीरियर ब्लीडिंग जिसमें नाक में खून आगे से दिखाई पड़ता है आता हुआ, दूसरा होता है पोस्टीरियर ब्लीडिंग या पीछे से आने वाला खून जिसमें नाक के रास्ते होते हुए खून आपको गले में आता पता चलता है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर ब्लीडिंग। कॉमन कॉजेज डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कॉज होता है ट्रॉमा या चोट लगना। ये दो तरह की ट्रॉमा हो सकते हैं, जैसे आप नाक पे चोट लग गई, किसी से बॉल खेलते खेलते बॉल लग गई, गेंद लग गई, गिर पड़े आप, या नाक पे आपके कुछ लग गया, किसी ने हाथ मार दिया, तो वो चोट की वजह से खून आ सकता है। ये हो गया एक्सटर्नल ट्रॉमा। दूसरा होता है इंटरनल ट्रॉमा। इंटरनल ट्रॉमा किसको बोलते हैं? छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनकी नाक में खुजली हो रही है, वो नाक में खुजली करते चले जाते हैं, नाक की अंदर की चमड़ी छिल जाती है, म्यूकोजा छिल जाती है, उसके अंदर बड़ी बड़ी वेसल्स होती हैं जो ब्लीड करना शुरू कर देती हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल ट्रॉमा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग होती है। सेकेंड कॉज क्या हो सकता है? अगेन ये छोटे बच्चों में ज़्यादा मिलता है, खेलते खेलते कुछ करते हुए ज़रा सी नाक में खुजली हुई, जो भी खा रहे हैं, मान लीजिए कॉर्नफ्लेक्स खा रहे हैं, कुछ कॉर्न खा रहे हैं, नाक के अंदर डाल लिया, पेपर तो तोड़ के नाक के अंदर डाल लिया, आपको तुरंत इमीजिएटली पता नहीं चलता है, बच्चे भी बता नहीं पाते हैं, बट दो तीन दिन के बाद जब नाक में खुजली और ब्लीडिंग शुरू होती है तो आप देखते हैं तो पता चलता है कि नाक के अंदर कुछ पड़ा हुआ और उससे ब्लीडिंग शुरू हो गई है। इसके अलावा क्या कॉजेस हो सकते हैं जो कॉमनली बहुत लोगों को मिलते हैं? वो होता है ड्राई वेदर। ड्राई वेदर यानी कि जैसे बहुत एक्सेस गर्मी आ गई, लू चल रही है, या बिल्कुल ड्राई वेदर आ गया है विंटर्स का, जब एकदम सूखापन आ गया है तो आपके नाक के सिक्रीशंस होते हैं वो ड्राई होना शुरू हो जाते हैं, नाक के अंदर क्रस्टिंग हो जाती है, या जिसको पपड़ी पड़ना बोलते हैं, पपड़ी पड़ना शुरू हो जाती है। वो पपड़ी अगर आप छुटाते हैं तो एक दो बार तो चलो ठीक है, बट अगर आपने फोर्सिबली उसको छुटाया तो नाक से ब्लीडिंग होने की संभावनाएं रहती हैं, और ये ब्लीडिंग ठीक ठाक भी हो सकती है, स्पेशली उन लोगों में जो ये बार बार करते रहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं ड्रग्स। ड्रग्स में इसमें कुछ भी तरह हो सकते हैं, जैसे मान लीजिए कोई पेन किलर्स आप लेते हैं, थोड़े बहुत तो ठीक है, बट अगर आप कोई पेन किलर बहुत लंबे टाइम पर अगर आप लेते रहते हैं या बार बार लेते रहते हैं तो ये ब्लीडिंग करने का एक कॉज बन सकते हैं, वो ब्लीडिंग को बढ़ावा देते हैं। कुछ नेजल स्प्रेज होते हैं जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड स्प्रेज जो एलर्जी में दिए जाते हैं, वो भी अगर आप बहुत लंबे टाइम पे यूज़ करते हैं तो वो आपको नाक की ब्लीडिंग करवा सकते हैं। इसके अलावा कुछ लोगों में बाय डिफ़ॉल्ट एंटीकॉगलेंस यानी खून पतला करने की दवाइयाँ चलती हैं, जैसे इकोस्प्रिन हो गई, क्लोपिडोग्रल हो गई, ये हार्ट पेशेंट्स को बहुत कॉमनली दी जाती है, या जो हाइपरटेंशन के या ब्लड प्रेशर के पेशेंट होते हैं उनको बहुत कॉमनली दी जाती है। अगर आप लगातार लेते रहते हैं तो आपके ब्लड में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ आ जाती हैं जिससे खून जमना बंद हो जाता है। वो ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हार्ट पे काम करेंगी, वो नाक पर भी काम करती हैं, और नाक की ब्लड वेसल्स वहाँ से अगर उसमें कोई चोट लग गई, खुरच आ गई, तो वो ब्लीड करना शुरू कर सकती हैं। इसके अलावा ब्लड प्रेशर एक बहुत कॉमन कॉज है। एल्डरली लोगों में ब्लड प्रेशर मान लीजिए 180 200 के ऊपर अगर चला जाता है तो नाक की ब्लड वेसल्स फट सकती हैं और ब्लीडिंग शुरू हो सकती है। इसके अलावा आ जाते हैं नाक के इनहेरेंट कॉजेज, जिसमें क्या हो सकता है, नाक का स्ट्रक्चर गड़बड़े, नाक की हड्डी टेढ़ी है, नाक की हड्डी टेढ़ी है तो उसके ऊपर की ब्लड वेसल जो हो जाती है वो ड्राई हो जाती है, फट जाएगी, ब्लीडिंग शुरू हो जाएगी। इसके अलावा नाक में इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जिक राइनाइटिस हो सकती है, साइनसाइटिस हो सकती है, राइनाइटिस हो सकती है, नाक में पॉलिप या मांस बड़े हुए हो सकते हैं जिसकी वजह से ब्लीडिंग आपको हो सकती है। नाउ कमिंग टू द ट्रीटमेंट प्लान कि अच्छा ब्लीडिंग तो हो गई, अब इसको मैनेजमेंट कैसे करना है। मैनेजमेंट डिपेंड करता है कि कॉज क्या है, जैसे कि छोटा मोटे कॉजेज मैंने पहले बताया कि नाक में बच्चे ने उंगली कर ली है, ड्राई वेदर की वजह से है, तो सबसे नंबर स्टेप है, वन स्टेप है जो किसी भी ब्लीडिंग प्रिंसिपल में काम करता है कि आपको ब्लीडिंग वाली साइड को मॉइस्चराइज रखना है। कैसे करेंगे मॉइस्चराइज? आप एक ऑइंटमेंट, घर में कुछ नहीं मिलता है तो आप एक नॉर्मल वैसलीन लीजिए, थोड़ी सी अप्लाई कर दीजिए, थोड़ा सा जैतून का तेल, ओलिव ऑयल होता है वो लगा दीजिए, आप हल्के से नाक में इंस्प्रे करके लगा दीजिए, ड्राइनेस कम हो जाएगी। इसके बियॉन्ड अगर आगे बढ़ते हैं तो नेजल ड्रॉप्स आती हैं, प्रॉपर मेडिकेटेड नेजल ड्रॉप्स आती हैं जिसमें कुछ सलाइन होती हैं या कुछ ब्लड वेसल को श्रिंक करने वाली ड्रॉप्स होती हैं, वो आप डालेंगे, उससे मॉइस्चराइज रहता है। मेडिकेटेड ऑइंटमेंट्स भी आते हैं जिससे नाक में ब्लीडिंग रोकी जा सकती है। सेकेंड क्या करेंगे आप, नाक में छेड़छाड़ करना बंद करें,
नाक को जोर से ना छिनके, नाक को ब्लो ना करें, छींक या खांसी अगर आ रही है तो मुंह खोल लें जिससे नाक पे प्रेशर ना पड़े, तो ऑलरेडी जो ब्लड वेसल हील हो रही है ताकि उस पर थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिले। इसके अलावा कोशिश करें कि बहुत गर्म खाना मत खाएं, ऐसा खाना ना लें जिससे बहुत भाप निकलती हो, गर्म पानी से थोड़ा बच के नहाएं, गर्म पानी में ज़्यादा ना नहाएं क्योंकि उससे ड्राइनेस और बढ़ती है और ब्लीडिंग और ज़्यादा बढ़ती है। इसके अलावा और क्या कॉजेज हो सकते हैं? अगर ब्लीडिंग मान लीजिए हो ही गई है तो आपको करना क्या है? अगर आपको लगता है कि डॉक्टर तक पहुंचने में देर हो रही है और ब्लीडिंग आप घर पे मैनेज कर सकते हैं तो आपको करना क्या है, आप बेंड करके बैठिए किसी वॉश बेसिन पे, नाक को दोनों तरफ से प्रेस कर लीजिए और मुंह को खोल कर सांस लेने के लिए बोलिए कि सांस आप मुंह से लेना शुरू कीजिए। एक बहुत कॉमन मिसकंसेप्शन है लोगों में कि जैसे ही ब्लीडिंग आती है लोग सीधा लेटा देते हैं, विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। दो पर्पसेस से रॉन्ग है, आपको सीधे नहीं लेटना है। दो कारण होते हैं उसके, एक तो ये कि जो भी ब्लड आएगा वो आपके गले में जाने लगेगा, ब्लीडिंग नहीं रुकेगी, गले में जाएगा, गले से वो पेट में जाएगा, कितना ब्लड लॉस हुआ है आपको आइडिया नहीं लगेगा। सेकेंडली, जो ब्लड पेट में जाता है वो ब्लड इरिटेंट का काम करता है और थोड़ी ही देर में बच्चों को या किसी भी इंसान को जिसको ब्लीडिंग हो रही हो ब्लड की वॉमिटिंग होनी शुरू हो जाती है, विच एक्चुअली इज़ अ बैड थिंग। तो जब भी ब्लीडिंग हो रही है आप वॉश बेसिन में नीचे झुक के ऐसे बैठिए, जो ब्लड निकल रहा है उसे आगे निकलने दीजिए। अगर आपको रोकना है प्रेशर लगाइए, प्रेशर से रुक जाए बहुत बढ़िया है, नहीं तो एक आइस लेके लगाइए। आइस आपको नाक के ऊपर लगानी है, सर पर नहीं, नाक पर आइस लगानी है आपको। नाक पर आइस लगा कर रखिए, 2-4-5 मिनट में 70-80% टाइप्स की ब्लीडिंग इससे रुक जाती है। लेकिन हाँ, अगर आपको अगर ऐसा लगता है कि इनके बाद ही ब्लीडिंग नहीं रुक रही है, स्पेशली जैसे एक्सीडेंट का केस है और अगर लगता है कि पेशेंट को ड्राउजीनेस आ रही है, पेशेंट सुस्त पड़ रहा है, पेशेंट का ब्लड प्रेशर लो हुआ जा रहा है, तो आप तुरंत उसको लेके इमरजेंसी में प्रेजेंट कीजिए। आपको वहाँ आप वो इमरजेंसी में डॉक्टर्स अटेंड करेंगे और वहाँ पर हो सकता है कुछ ट्रीटमेंट मोडलिटीज़ होती हैं, जैसे सबसे पहला होता है नेज़ल पैकिंग। बनी बनाई प्रॉपर पैकिंग्स आती हैं आजकल, बड़ी अच्छी पैकिंग्स होती हैं, नाक में जब डालते हैं बिल्कुल दुबली सी होती है, बाद में उसके अंदर केमिकल डाल के उसको स्वेल कर दिया जाता है जिससे वो ब्लीडिंग ऑटोमेटिकली रुक जाती है। ऊपर से पैक किया जा सकता है, नाक को ऊपर से भी अप्लाई किया जाता है। डॉक्टर हो सकता है आपसे कुछ एक्सरेज कराएं, कुछ सीटी स्कैन कराएं, बाकी फैमिली हिस्ट्री, बाकी पर्सनल हिस्ट्री ली जाती है कि क्या रीजंस रहे हैं ब्लीडिंग के, वो ढूंढने की कोशिश की जाती है और उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं। इसके अलावा अगर लगता है कि इनसे बात नहीं बन रही है तो फिर आपका एंडोस्कोप यानी दूरबीन से जाँच की जाती है नाक की, और जहाँ से ब्लीडिंग हो रही होती है उसको वहीं के वहीं ट्रीट कर दिया जाता है कॉटराइजेशन मेथड से। उसको कैसे करते हैं, या तो केमिकल कॉटरी, कोई केमिकल लगा के बर्न कर देते हैं ब्लीडर को, या फिर हीट कॉटरी या क्रायो कॉटरी होती है, एक्सेस हीट या एक्सेस कोल्ड से भी उसको कॉटराइज किया जा सकता है। अगर लगता है इनसे भी बात नहीं बन रही है देन वी कम टू अदर कॉजेज, जैसे कि वो हड्डी ठीक करना, पॉलिप है अगर नाक में, साइनोसाइटिस अगर कॉजेज हैं तो आप उनको डिपेंडिंग ऑन द कॉज ट्रीट करना शुरू कीजिए। इनसे भी बात नहीं बनती और लगता है कि नहीं इससे भी नहीं रुक रहा है तो फिर एक्सट्रीम केसेस में लाइगेशन यानी कि जिस ब्लड वेसल से ब्लीडिंग हो रही है उसको अंदर जाके टाई भी किया जाता है। हालांकि ये बहुत एक्सट्रीम केसेस में ही होता है, जब नहीं हो पाता है ये एम्बोलाइज करना जिसको बोलते हैं, एम्बोलाइजेशन भी किया जाता है जब एक्सट्रीम केसेस में ब्लीडिंग नहीं रुक पाती है। एक इम्पॉर्टेंट कॉज है ब्लीडिंग का ब्लड प्रेशर, ये जनरली एल्डरली लोगों में मिलता है और इसमें पोस्टीरियर ब्लीडिंग होती है। पेशेंट को पता नहीं चलता है, नाक में आगे से ब्लीडिंग नहीं होगी, मुंह से ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाती है। ये उसी तरीके से है, मैं बोलूँगा कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो ये है तो ख़तरनाक चीज़, बट ये उसी तरीके से है जैसे कि मान लीजिए आपका प्रेशर कुकर में प्रेशर बहुत बढ़ गया और एकदम से सीटी बजती है जिससे प्रेशर रिलीज हो जाता है। ये सेम काम करती है कि मान लीजिए ये वार्निंग सिग्नल है कि आपका प्रेशर इतना बढ़ गया है कि यहाँ की ब्लड वेसल्स रप्चर हो गई और उसने आपको अलर्ट कर दिया कि ब्लीडिंग होनी शुरू हो गई है। अच्छी बात खैर मैं नहीं बोलूँगा है, बट अच्छी बात इसलिए है क्योंकि यही ब्लीडिंग हो सकता है ब्रेन में हो जाए, हो सकता है हार्ट में हो जाए, हो सकता है लंग में हो जाए, हो सकता है किसी और ऑर्गन में हो जाए जहाँ पर आपको पता ही ना चले कि ब्लीडिंग हो रही है और ब्लड प्रेशर के इफेक्ट चले जा रहे हो। नेजल ब्लीडिंग इस मामले में ठीक है कि आपको पता चल गई, आप तुरंत डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। ट्रीटमेंट क्या रहेगा इसके अंदर, ब्लड प्रेशर की ब्लीडिंग बहुत जल्दी नहीं रुकती है, सबसे पहले इसमें ब्लड प्रेशर को ही मैनेज करना होता है। ब्लड प्रेशर के लिए इमीडिएटली दवाइयाँ दी जाती हैं खाने की या आईवी जिससे ब्लड प्रेशर डाउन हो। सेकेंडली नेजल पैकिंग करनी पड़ती है इसमें, नेजल पैकिंग अगर आगे से पैकिंग करके लगता है प्रेशर से अप्लाई हो गया तो ठीक है, नहीं तो कई बार इसमें पोस्टीरियर पैकिंग भी करनी पड़ती है जो हम ओटी में ले जाकर करते हैं, नाक के अंदर एंडोस्कोप से देख के पीछे से हम एक नेजल पैक डालते हैं जिससे जिस एरिया से ब्लीडिंग हो रही होती है वो वहीं की वहीं रुक जाती है।
ऐसे केसेस में लेकिन पेशेंट को फिर 2 से 3 दिन हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ सकती है ताकि पेशेंट थोड़ा सेटल हो जाए, उसके वाइटल स्टेबल हो जाए और एक बार जब वो मैनेज हो जाता है फिर ये ट्रैकिंग निकाल के पेशेंट को ठीक ठाक कंडीशन में डिस्चार्ज किया जाता है। अल्टीमेटली मैं आखिर में यही बोलूँगा, नाक से ब्लीडिंग एक बहुत कॉमन लक्षण है। रीज़न क्या है पहले तो इसको ढूंढ कर रखना है। कोई अगेन फिर मैं बोलूँगा, कोई ऐसा अछूता ही रहा होगा जिसको आज तक नाक से ब्लीडिंग ना हुई है या जिसके आसपास से ब्लीडिंग ना हुई हो। 70 से 80% केसेस मैनेजेबल हैं। जो मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताई हैं उनको फॉलो करें, आप काफ़ी बचे रहेंगे। लेकिन अगर फिर उसके बाद भी ब्लीडिंग नहीं हो रही है तो नियर बाय ENT सर्जन से एज सून एज पॉसिबल आप संपर्क करें।